पास है टाइम ट्रैफिक बहुत है अभी मेरा बर्थडे शुरू भी नहीं हुआ है ना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे एंड हमने अभी से सेलिब्रेट कर दिया कल तक होगा कल सेट पे होगा वो करो कैसे क्या कुछ होने वाला है थोड़ा सा
सिचुएशन बताएं, बिकॉज़ योर फैमिली मेंबर या आपके सभी बहुत एक्साइटेड हैं, योर माय डॉग डॉग तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि बहुत से पार्टी वार्टी ठीक है वो सब तो होता ही रहता है हर साल, बट ये साल इसलिए स्पेशल था क्योंकि आज का पूरा दिन मेरे को ऑफ मिला था मेरे शो से, बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे तो पूरा दिन गया आर्ट डायरेक्शन में जो, बिकॉज कल से शूट है, नाइन्थ हमने पहला शूट डेट रखा है क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, मेरा ही प्रोडक्शन हाउस है, तो पूरा दिन आज का एक्चुअली बहुत मेस्ड अप था बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर ये मेरा पहला वेंचर है, पहला प्रोजेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था, बहुत कुछ था, फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ करते हो तो ऑफकोर्स यू नो बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, तो ऑनेस्टली मेरा पूरा दिन इसमें गया है। अब कल मेरा शूट है, मेरे बर्थडे मतलब मेरा बर्थडे है और शूट भी है, तो बहुत कुछ साथ साथ में चल रहा है, बट आई थिंक पार्टी तो हम हमेशा ही करते हैं, बट काम और अपना ड्रीम आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स माय बर्थडे दिस ईयर स्पेशल। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप बर्थडे के दिन काम कर रही हैं, ऐसा कहते हैं कि बर्थडे के दिन या काम करने से हर दिन काम मिलता है, एवरीडे हम काम करते हैं। सो और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए एंड अपने इस प्रोडक्शन हाउस के लिए, फैंस जो आपको इतना प्यार देते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरा शो चल रहा है बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न टू, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है शिवीना का, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि एक्चुअली लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। कीप लविंग एंड आई वुड से कि फैंस को कि आपके पास जैसे मैं मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है लाइफ में क्योंकि एक ही लाइफ है, आई वुड से व्हेन यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ व्हाई चूज़ वन, तो जस्ट गो अहेड और जो आपका दिल कहता है वो करे और भी आप थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।